मोदी सरकार बड़े अफसोस के साथ और हमारी बदकिस्मती है कि वो अपनी खामोशी को बनाए रखे। ये क्लैश जो हुआ 9 तारीख के दिन हुआ, पार्लियामेंट चल रही है और 12 तारीख के दिन शाम में मीडिया के जरिए देश को पता चल रहा है कि हमारे भारत के बहादुर फौजी सिपाही जख्मी हुए हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो सरकार पूरे देश को क्यों नहीं बता रही है, क्यों उनको डाक में रख रही है और ये कैसे क्लैश हुआ है, कितने राउंड फायरिंग हुई, कितने हमारे सिपाही जख्मी हैं और कैसे चीन हमारी जमीन पर घुसकर हमारे सिपाहियों पर हमला करता है, और पार्लियामेंट को बताना चाहिए था। मुझे इस वक्त में मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश को देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना गुस्सा है ना कोई गुस्सेगा, तो क्या कल वही ये बात कहेंगे आप इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? और अब चाइना से हमारा जो ट्रेड इम्बेलेंस है चीन के फेवर में है, चाइना के फेवर, उसके बावजूद भी हमारे सिपाही जख्मी हो रहे हैं। तो ये सरासर मोदी सरकार की नाकामी है और पार्लियामेंट में इसका एक फुल फेयर डिस्कशन होना चाहिए और मैं इस ताल्लुक से एडजर्न मोशन भी दूंगा कल।